Okay, so just tell me one thing that in Fleming's left hand rule, first of all, Fleming's left hand rule is applied for determining what? Applied force. Which force? And that atom the Fleming has. Yes. Fleming's left hand thumb rule, or left hand rule, is used to determine the force on a current carrying conductor placed in an external magnetic field. Clear? Because by using only this rule, we are going to study electric motor. So we have to understand Fleming's left hand rule first. Further, can you tell me that when the force, the magnetic force that is applied over the current carrying conductor is maximum, and here it is minimum. मैक्सिमम किस पोजीशन में होता था और मिनिमम किस पोजीशन में होता था, कोई बता सकता है? एनीवन? एनी मैग्नेटिक फील्ड. यस, वेरी गुड. फोर्स. वेरी गुड. और मिनिमम कब होगा? यस, करेक्ट, वेरी गुड. सो व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स विल बी मिनिमम, व्हाइल व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और द करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक. करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? करंट का डायरेक्शन कैसा हो? परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के. तब जो होगा क्या, फोर्स जो लगेगा वायर के ऊपर वो मैक्सिमम हो जाएगा. और मिनिमम कब होगा? व्हेन द करंट डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी आपने जो वायर है वो पैरेलली प्लेस कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, देन ओनली द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी जीरो और मिनिमम. क्लियर? यहां तक क्लियर है? अगर आपको ये दो चीजें क्लियर है तो हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इजी तरीके से पढ़ सकते हैं. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर और अ डीसी मोटर? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक मोटर को ये डीसी मोटर भी बोलते हैं. ऐसा क्यों बोलते हैं कि बता सकता है व्हाई इलेक्ट्रिक मोटर इज नोन एज डीसी मोटर और डायरेक्ट करंट मोटर? ओके, एंड व्हाई सो? ऐसा क्यों होता है? डू यू नो व्हाट इज एसी एंड डीसी? वैसे आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा ना कि हमारे घर में एसी आता है कि डीसी आता है. आपके घर पे डीसी आता है? ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे डीसी आता है? कुछ आइडिया किसी को? नहीं पता. नहीं पता? ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट. चलो, आपने जो बुक खोल लिया है? यस मैम. डू यू हैव द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विद यू? सबसे पहले आप कोई मुझे बता सकता है, सबसे पहली बात ये है कि इसे इलेक्ट्रिक मोटर या डीसी और डीसी मोटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी कनेक्ट द सर्किट विद एन बैटरी. हम इसे एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ ए एसी करंट. अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? वो अपने पोल्स चेंज करती है. और डीसी करंट में क्या होता है? द बैटरी इज हैविंग देयर फिक्स्ड पोल्स. ये नेगेटिव पोल है तो ये पॉजिटिव पोल है, ये चेंज नहीं होते हैं विद टाइम. व्हाइल एसी व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर, मतलब एक एक सर्कल या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव. फिर अगेन नेक्स्ट में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ऑल्टरनेट पोल्स चेंज होते रहते हैं. दैट इज व्हाई दैट वन इज एसी करंट. एसी करंट का अगर आप डायग्राम देखो तो एसी करंट इस तरीके की डायग्राम में फ्लक्चुएट करती है व्हाइल डीसी इज फ्लोइंग लाइक दिस अ कांस्टेंट करंट. क्लियर? यस यस सर. नाउ सो अब ये समझ में आया, यहाँ पे एक्चुअली हम एक बैटरी लगाएंगे इंस्टेड ऑफ एन अल्टरनेट करंट सोर्स, तो इसलिए इस मोटर को हम लोग क्या डीसी मोटर भी बोलते हैं.
फर्दर कोई मुझे बता सकता है, आपने मोटर बड़े की बात सुना हुआ है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या है? कोई बता सकता है कहाँ पे यूज होती है, इसका यूजेस क्या है, कौन से अप्लायंसेस में यूज होती है? एनीवन? तब तक मैं डायग्राम बना रही हूँ। आपके हाउस होल्ड में सो मेनी आइटम्स आर हियर, तो आपके घर पे आजकल बहुत सारे सीपीयू और ग्राफिक कार्ड यूज नहीं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दूसरी चीज है। अभी पहले आप मुझे ये बताओ आपने अच्छा घर में किसी की मोटर लगी, सिंपल ये बताओ मोटर, आप कितनी बार वर्ड सुनते हो कि अरे हमारे घर में तो मोटर लगी हुई है, या वाटर कलेक्ट करने के लिए आप मोटर लगाते हो ना, ऐसा सुना है ना? मोटर भी नहीं सुना है आज तक, नहीं सुना है। कैन यू टेल मी द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर एट योर रूम? आपके घर पे जो मोटर लगी होती है, सिंपली वाटर को यू नो अपवर्ड डायरेक्शन में या टंकी में फिल करने के लिए उसका वर्किंग क्या होता है? आप क्या करते हो कि पानी अपने आप पानी देखो इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर का एक्चुअली वर्क क्या होता है, इसका प्रिंसिपल भी यही है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करेंट, नोट इट डाउन, मेरे साथ में लिखते भी चलो, इलेक्ट्रिक करेंट इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख लो, मुझसे बढ़िया वर्ड है इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इंटू मैकेनिकल एनर्जी। नाउ सी when you switch on the motor's plug, जब ऐसे आप मोटर का प्लग ऑन करते हो तो क्या होता है, ग्राउंड लेवल में जो वाटर है उस करेंट की हेल्प से क्या होता है, ड्यू टू दोज पाइप्स गोज इनटू द टैंक, आपका जो टैंक टेरेस पे रखा हुआ है उसमें जाकर चला जाता है, ठीक है? सो आप क्या करते हो, आप बस एक सर्किट का बटन ऑन करते हो, यू जस्ट प्लग ऑन द इलेक्ट्रिक मोटर एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट द मोटर इज प्रोवाइडिंग over the circuit helps the turbine to collect the water from the ground level and put it into the tanks which are placed on your terrace. तो क्या हो रहा है, electrical energy change हो रही है, mechanical energy दो तरह की होती है, एक होती है kinetic energy और दूसरी कौन सी होती है? Potential. Very good. Mechanical energy and potential energy को साथ में क्या बोलते हैं? Sorry, kinetic energy और potential energy को साथ में क्या बोलते हैं? Mechanical energy. So the water due to electrical energy is stored into any potential energy में convert हो जा रहा है और water जाके store हो जा रहा है आपके tank में by the help of electric motor and that is a device which convert electrical energy into mechanical energy. Now another example, यहाँ पे तो आपने देखा कि electrical energy किसमें convert हो गई है, potential energy में convert हो गई है, your water with the help of electrical energy gets stored into the water tank, a water क्या हो जा रहा है, potential energy को occupy करके वहाँ पे store हो जा रहा है. Similarly, you have another example of electric fan. Electric fan में आप क्या करते हो, you just switch on the plug and you see that the fan start rotating. यानी fan में कौन सी, आपको तो electrical energy दिया उस plug, लेकिन electrical energy किसमें convert हो गई है? Which kind of mechanical energy? Which kind of mechanical energy, beta? Kinetic energy, because the fan start moving, because the fan start having motion. और motion कैसा? Circular motion में आपका fan move करने लग जाता है. That is it occupies. जो भी आप electrical energy उसको दे रहे हो circuit को, it helps the fan blades to rotate or to have the kinetic energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस केस में किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में, एंड काइनेटिक एनर्जी इज अगेन अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. समझ में आया? यस सर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट दैट,
प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सिंपली दैट टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय, कैसे आपको पता है? बिकॉज वी नो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? ओके. नाउ वी हैव टू, हमें अब जैसे आपने प्रिंसिपल पढ़ लिया, प्रिंसिपल में आपको सिंपली लिखना है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. एज वी नो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एम आई क्लियर? आफ्टर प्रिंसिपल यू हैव टू नोट डाउन कंस्ट्रक्शन. You have to note down. आपका जो next point होगा that will be the construction of an electric motor. How we construct an electric motor? You can see the diagram over here. एक बार मैं आपको diagram समझा देती हूँ. अगर आपको पता हो तो these are two big magnets of which north pole is here. Yes. So this is the north pole of an external magnet and this is the south pole of an external magnet. अगर आप 3D में देखोगे तो these are actually horseshoe magnets which are in the shape of a horseshoe. Horseshoe magnets are the most strong permanent magnets. तो उसका हमने एक north pole ले लिया और एक south pole ले लिया. Now you know the direction of magnetic field. Magnetic field की direction कैसे होगा? Permanent magnetic field किस direction में होगी? North से. नॉर्थ से किस डायरेक्शन में होगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड? आपको ये चीज बहुत अच्छी बात पूछना है. वेट, यस. सो यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फर्दर यू कैन सी हियर इट इज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी. कैन यू सी दिस? सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि दिस इज परमानेंट मैग्नेट. ये जो आप देख रहे हो दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स. इन्हीं परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक सर्किट को रखा है. ठीक है, वी हैव प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर रिंग. एक्चुअली हम लोग एक, मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको सिर्फ एक रिंग बता रही हूँ, बट ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, आर्मेचर रखते हैं इन विच हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर को रखते हैं, उसके चारों तरफ एक रिंग नहीं, नंबर ऑफ रिंग्स को क्या कर देते हैं. जैसे आपने सोलेनोइड पढ़ा था, हैव यू स्टडीड सोलेनोइड? चलो अच्छा ऐसा समझो, अभी आप इतना ना समझिए, आप बस समझिए देयर इज अ सिंगल पॉइंट ए बी सी डी. एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल आपने सर्कुलर लूप को या रेक्टेंगुलर लूप को प्लेस कर दिया है किसके बीच में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज अ स्ट्रेट वायर और अ सर्कुलर लूप और रेक्टेंगुलर लूप और अ सोलेनोइड, कोई भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर ले सकते हो. तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, वी हैव टेकन a rectangular loop A B C D which is connected to, अब ये बहुत ध्यान देखना, which is connected to split rings. Split rings मतलब होता है आपने एक एक्सल लिया और इस एक्सल के ऊपर दो रिंग्स लगा दिए हैं. ठीक है, हाफ स्प्लिट, ये दोनों आपस में क्या हुआ है, दोनों आपस में स्प्लिट्स हैं और ये इस तरीके से दो रिंग्स आपने एक एक्सल के ऊपर लगा के इनको लगा दिया. एक्सल मतलब जिससे आप घुमाओगे तो वो ये दोनों रिंग्स भी आपस में घूमेंगी. दीज रिंग्स कैन मूव 360 डिग्री. ये रिंग्स पूरा 360 डिग्री घूम सकती हैं. इनका इनर साइड जो है वो इंसुलेटेड है वाइल द आउटर साइड इज कंडक्टिंग. क्लियर? सो देयर आर टू स्प्लिट रिंग्स विच आर पी एंड क्यू. एम आई क्लियर? इन्हीं को हम लोग कम्यूटेटर रिंग्स भी बोलते हैं. सिंपली कम्यूटेटर बोलते हैं दीज आर स्प्लिट रिंग्स. आपकी बुक में डायग्राम भी होगा, पीक्यू आप देख सकते हो. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर रिंग्स. इनका रोल है, आगे आप जब इसका वर्किंग पढ़ोगे तब यू कैन. या यस, मैं स्क्रीन शेयर नहीं,
स्क्रीन शेयर नहीं है क्लास आर यू ऑल एबल टू सी द बोर्ड और नॉट आर यू ऑल एबल टू सी द बोर्ड और नॉट यू कैन ओके सो वी वर ऑन कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट्स व्हिच आर यूज्ड हियर उसके बाद हमने देखा दैट वी हैव एबीसीडी अ रेक्टेंगुलर रिंग या रेक्टेंगुलर कॉइल हमने लिया है यहाँ पे ठीक है रेक्टेंगुलर Wait a minute. We have used a rectangular coil. यहाँ तक समझ में आया? हमने rectangular coil ABCD लिया है, permanent magnets के north and south pole लिए हैं, जो एक strong permanent magnet है. उसके बाद हम जब नीचे आते हैं circuit की तरफ, फिर हमने क्या लिया है? We have taken बेटा तो फिर network slow होगा. We have taken two split rings P and Q. We have taken two split rings P and Q that can move जो कि एक्सल के ऊपर लगे हुए हैं एक एक्सल के ऊपर लगे हुए हैं एंड दैट कैन मूव 360 डिग्री फर्दर इन्हीं स्प्लिट रिंग्स को हम लोग सिंपली कम्यूटेटर रिंग्स भी बोलते हैं और इसके इनसाइड जो इनवर्ड एरिया है दैट इज इंसुलेटेड बाय द आउटर एरिया इज व्हाट कंडक्टिंग यहां तक समझ में आया Yes, ma'am. उसके बाद अब आप PQ तक पहुंच गए एबीसीडी के बाद यू हैव कम टू PQ एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज X एंड Y X एंड Y आर टू कार्बन ब्रशेस X एंड Y दो कार्बन ब्रशेस हैं जो कि कनेक्टेड हैं इन स्प्लिट मैं इसको यहां पहले से डायग्राम बना के दिखा रही हूं दैट दीज आर टू रिंग्स P एंड Q ठीक है दीज आर टू रिंग्स पी एंड क्यू विच आर कनेक्टेड टू एन एक्सिल अगर वो एक्सिल घूमेगा तो ये दोनों रिंग्स भी आपस में घूम जाएंगी ठीक है और उसके बाद इन्हीं रिंग से कनेक्शन में दो ब्रशेज हैं वन ब्रश इज एक्स ब्रश एंड द अदर ब्रश इज वाई ब्रश क्लियर दीज आर टू कार्बन ब्रशेज विच आर कनेक्टेड टू दिस पी एंड क्यू स्प्लिट रिंग्स और यही ब्रशेस क्या करते हैं आपको इलेक्ट्रिक करंट को मूव कराते हैं इन स्प्लिट रिंग्स में क्लियर बेटा तो आपको मेनली समझना है परमानेंट इस कंस्ट्रक्शन में इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर परमानेंट मैग्नेट एन एंड एस टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट नंबर टू देयर इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड द स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेट उसके बाद वी हैव टू स्प्लिट रिंग्स जैसे ये जो कॉइल है ये कॉइल आकर ये दो स्प्लिट रिंग्स से कनेक्टेड है विच आर पी एंड क्यू फर्दर दीज स्प्लिट रिंग्स आर कनेक्टेड विद टू ब्रशेस एक्स एंड वाई यहां तक क्लियर है और उसके बाद तो जानते ही हो उसके बाद क्या है एक्स एंड वाई किससे कनेक्टेड है You can see from the circuit, X and Y are connected to a battery and a switch. Clear? Yes, ma'am. Now, अब आपको पहले construction समझ में आ गया. This is a battery and this is a key. अभी key is closed. Whenever the key is closed. There will be a current flowing into the coil. अच्छा अब ध्यान से देखो मैं लास्ट टाइम कंस्ट्रक्शन में बता रही हूँ कंस्ट्रक्शन में नंबर वन वी आर हैविंग परमानेंट मैग्नेट दिस कलर इज एबल टू आपको दिख रहा है ये yes. तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज द परमानेंट मैग्नेट जिसके आपने नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ले लिए so that a strong magnetic field will be there. Number two, उसके बाद आपने क्या लिया? एक rectangular coil ले लिया है. You have taken a rectangular coil. Rectangular coil कहाँ से start हो रहा है? A, B, C, D. यहाँ तक clear है? Clear? अरे बोलो clear ही नहीं clear. उसके बाद आफ्टर रेक्टेंगुलर रिंग्स यू हैव कम टू टू स्प्लिट रिंग्स वी आर हैविंग टू स्प्लिट रिंग्स
we are using? Name of the two split rings over used over here. कौन सी split rings use करे आपने? P and Q and these split rings are also known as इनको हम लोग और क्या बोलते हैं? कौन सी rings और बोलते हैं? Class 10. Yes. Be active in class. These are also known as commutator rings. After rings, next construction is what? Rings के बाद आप लोग क्या use करते हैं number 4 पे? We are using which kind of brushes? Carbon brushes. Brushes के नाम क्या हैं? X and Y. Very good. We are using two brushes, carbon brushes, X and Y. And last, there is a battery and a key. ये सब आपको लिखना पड़ेगा. When the question will be what is an electric motor, write down its construction and working. You have to write down all these things into statements. Further, you have to make a neat and clean diagram from the book and you have to write down its whole working. Battery and a key. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया पूरा बेटा? अब कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट थिंग आती है इट्स वर्किंग. ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करेगा? तू मुझे बता सकता है इट विल वर्क ऑन विच काइंड ऑफ प्रिंसिपल और इट विल वर्क बाय यूजिंग विच रूल? एनीवन? अच्छा ऐसा है, मैं वर्किंग से समझा दे रही हूं आपको बिकॉज वी आर हैविंग लेस टाइम. मैं आपको इसकी वर्किंग से समझा दे रही हूँ. पहले मुझे ये बताओ, जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, व्हेन यू क्लोज अ की व्हाट विल हैपन? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. जैसे ही आप की क्लोज करोगे देयर विल बी अ करंट विच स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल फ्रॉम एक्स ब्रश टू पी रिंग. इट गोज टू ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी एंड डी टू क्यू, क्यू टू वाई, वाई टू द नेगेटिव एंड ऑफ द सर्किट. पहले करंट का डायरेक्शन समझ में आया, करंट कहाँ से फ्लो हो रही है और कैसे फ्लो हो रही है? Have you noted down the current flow? आपको current flow समझ में आया? Positive terminal से पहले किसके पास current जाएगी? Brush के पास कि split ring के पास? Brush. Okay. Which brush? X or Y? X. Very good. After X, the current will go to P, right? स्प्लिट रिंग में करंट जाएगी पी में. पी के बाद करंट किसमें जाएगी? रेक्टेंगुलर लूप में. रेक्टेंगुलर लूप में यू कैन सी द डायरेक्शन ए टू बी जाएगी, फिर बी टू सी, सी टू डी, डी टू क्यू एंड टू द नेगेटिव टर्मिनल. अब आपको करंट डायरेक्शन पता चल गया है. नाउ यू नो दैट व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनटू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स. कैन यू टेल मी किस वाली साइड पे फोर्स लगेगा और किस पे नहीं लगेगा? यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अप्लाई करिए फटाफट से और मुझे बताइए पहले तो कौन कौन से साइड्स पे फोर्स लगेगा और किस पे फोर्स नहीं लगेगा. जस्ट टेल मी. ओके, वेरी गुड, करेक्ट. एबी पर एंड सीडी पर फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी मैक्सिमम बिकॉज इन दिस कंडीशन
The direction of current and magnetic field are perpendicular to each other. Remember, I have told you when the current carrying conductor is placed perpendicular to the magnetic field, the force experienced by it will be maximum. You can see that the if you take only AB side, the AB mein current flow ho raha hai aise. Agar if you take it as a straight wire, so you can see that the current flow in AB is perpendicular to the direction of magnetic field, and hence there will be a maximum force which is act on AB. Now tell me your minimum kahan wahan pe lagega? BC and AD. BC and AD. Very good. So यहाँ पे तो maximum लग गया है. Why it is minimum at BC and AD? बता सकते हैं आप? Well, they are. Very good. Very good. Very good. Minimum force will be on side BC and AD because they are parallel to the magnetic field. फर्दर दे विल नॉट डिफ्लेक्ट. आपको मैंने बताया था अगर आप वायर को रखोगे तो वायर में डिफ्लेक्शन होता है, वायर रोटेट कर जाएगा और उसमें फोर्स लगेगा. तो बीसी और एडी पे जब फोर्स लगेगा तो उनमें कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, दे विल रिमेन एट इन देयर पोजिशन. बट साइड ए बी और सी डी में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है एंड वो भी मैक्सिमम लग रहा है. हाउ विल यू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? आप फोर्स कैसे निकालोगे? कैन एनीबडी टेल मी that what is the direction of force for coil AB? Oh sorry, straight wire AB. AB के लिए कहाँ फोर्स लगेगा? Inwards or outwards? कोई बताएगा मुझे? And upward. Yes. Upwards how? No. आपको पता है ना Fleming's left hand rule क्या बताता था? याद करो. Your forefinger is showing the direction of magnetic field. Just stretch your left hand, stretch the forefinger or index finger into the direction of magnetic field. Middle finger is showing the electric current. So middle finger कहाँ पे है? Upward direction में तो middle finger आ जाएगी ना बेटा? Because it is showing the direction of current. You can see if you are watching my video, you can see here that the direction of your thumb is inwards the what? बोर्ड बोर्ड के इनवर्स आएगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? इनवर्स. क्लियर? यूज योर लेफ्ट हैंड. क्लास टाइमिंग इज ऑलमोस्ट ओवर. नो मैम. बेटा क्लास टाइमिंग इज ऑलमोस्ट ओवर. आई हैव टू टेक द क्लास इन 9th क्लास आल्सो. सो आई विल कंटिन्यू द वर्किंग फ्रॉम हियर ओनली. ठीक है, मैं वर्किंग यहीं से स्टार्ट करूंगी. आप फिर भी प्रोसेस का वर्किंग करके रखेंगे. व्हाट? थैंक यू मैम. वन मोर थिंग. थैंक यू.